हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे. तो गाइस, आज वो दिन आ गया है कि जब मुझे अपनी स्कॉर्पियोन से को कैंसिल करना पड़ रहा है. उसका रीज़न है कि अभी मेरे को कुछ दिन पहले डिलीवरी का एक मैसेज आया था कि अपना डिलीवरी का स्टेटस आप चेक कर सकते हैं. और वो मैंने जाके ऑनलाइन चेक किया तो मैंने देखा कि मेरी डिलीवरी का टाइम बहुत ज़्यादा है और उतना कोई सेंस नहीं बनता वेट करने का एक पर्टिकुलर गाड़ी के लिए कि मैं वेट करूं लाइक टू एंड हाफ ईयर. तो इन सब को देखते हुए फिर आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड और मैंने ये डिसाइड किया है कि ठीक है, लेट इट बी और इसको कैंसिल करते हैं. बाकी फ्यूचर में कोई और गाड़ी आएगी महिंद्रा की तरफ से या देखेंगे, बट अभी आज के टाइम में स्कॉर्पियो एन की डिलीवरी लेना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग वर्क है. मतलब यू कैन नॉट अज्यूम कि अगर आपने पैसा आपके पास पैसा है और रेडी है और आपका कोई रेफरेंस, इवन आपका अगर कोई रेफरेंस नहीं है तो इट इज़ वेरी हार्ड टू टेक द स्कॉर्पियो एंड डिलीवरी. या तो आपको किसी का रेफरेंस लगाना पड़ेगा या फिर आपको डीलरशिप पे जो ओनर है डीलरशिप का उसको फिर आपको अप्रोच करना पड़ेगा. अगर वो आपका कोई नोन है, रिलेटिव है, देन आप अरेंज कर पाएंगे. अदरवाइज एक कॉमन मैन आज के टाइम में स्कॉर्पियन अरेंज नहीं कर पा सकता. तो मैंने काफ़ी वीडियोस देखे तो बंदे काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं बिकॉज ऑफ देयर डिलीवरी टाइम, इतना जो लंबा डिलीवरी टाइम आ रहा है. तो मैंने फाइनली आज डिसाइड किया है कि ठीक है, मैं इतना लंबा वेट नहीं कर पाऊँगा और हम अपनी स्कॉर्पियो को फाइनली कैंसिल करते हैं. तो चलो ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी क्या डिलीवरी टाइम थी और कितना मेरे को स्कॉर्पियन ने डिलीवरी डेट दी थी कि कब मेरी गाड़ी की डिलीवरी होगी. तो वो सब मैं दिखाता हूँ और इसके बाद हम उसको कैंसिल करेंगे फाइनली. आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड आई वुड से. ठीक है, हम इसको कैंसिल करते हैं और नो प्रॉब्लम. हम कभी इन फ्यूचर में प्लान कर सकते हैं. ठीक है, लेट्स सी, मैं आपको दिखाता हूँ. तो ठीक है गाइज, फाइनली मैं अपना लैपटॉप ऑन करता हूँ और इसको कैंसिल करता हूँ लैपटॉप से. सो गाइज, अब हम इसको कैंसिल कर देते हैं और इसके लिए मैं अपने लैपटॉप पे लैपटॉप ओपन करके ना इसको फिर करते हैं हम कैंसिल. तो सिंपली स्कॉर्पियो एन की बुकिंग हमने ऑनलाइन की थी तो इसका जो कैंसिलेशन होगा वो भी ऑनलाइन होगा. तो इसके लिए हम सबसे पहले वेबसाइट पे जाते हैं, automahindra.com. सो इस पे जाने के बाद में हमको करना होगा लॉगिन. यहाँ से जाके हम करेंगे लॉगिन. एक्चुअली कोई पॉइंट नहीं बनता जब इतनी मेरी, मैं आपको दिखाता हूँ मेरी डिलीवरी कितने टाइम की दिखा रहा है वो. मैं यहाँ पर इसको पहले लॉगिन कर लेता हूँ. OTP आएगा, इस OTP से वेरीफाई करके साइन इन कर लेंगे. इधर मैं OTP डाल देता हूँ और एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, मैंने स्टार्ट की थी डीजल वाले वेरिएंट से और फर्स्ट आई बुक्ड Z6. उसके बाद में मैंने काफ़ी न्यूज़ देखी, काफ़ी बाकी ब्लॉगर्स के मैंने वीडियो देखे तो दे क्लेम कि जो Z6 है दिस इज़ मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट और उसकी डिलीवरी महिंद्रा सबसे लास्ट में देगा. तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने वो जो एक विंडो ओपन थी 15 अगस्त वाली, मैंने उसी बीच में ना इसको डीजल से पेट्रोल किया बिकॉज पेट्रोल की थोड़ी वेटिंग कम होती है. और मैंने अपना वेरिएंट भी चेंज किया बिकॉज जनरली वी हैव सीन इन द केस ऑफ XUV700 लाइक जो इसके बेस वेरिएंट थे तो वो उनकी डिलीवरी बहुत जल्दी हो गई है. सो मैंने वो सब देखते हुए फिर इसको अपना एडिट किया. बट स्टिल जो महिंद्रा ने मेरे को वेटिंग दी है वो वेटिंग बहुत ज़्यादा दी है, इसके चलते मुझे कैंसिल करना है. पहले मैं आपको अपनी वेटिंग दिखाता हूँ. देखो ये मैंने सेवा ऑटो गाजियाबाद से कराई हुई है एंड दिस यहाँ पे हम देख सकते हैं ये मेरा ऑर्डर कंफर्म आ रहा है एंड ये यहाँ पे ऑर्डर कंफर्म है, ये मेरी बुकिंग रेफरेंस है, डेट है. अब मैं इसको जब ट्रैक माय बुकिंग करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं. तो ये
यहाँ पे हम पूरा कर सकते हैं। तो मैंने उसके एडिट के बाद में मैंने अपना स्कॉर्पियो एन और मैंने बेस मॉडल पेट्रोल किया था ब्लैक कलर में, ये सोचते हुए कि मेरे को ये जल्दी मिल जाएगा। पेट्रोल किया, बेस किया, सो दैट कि मेरे को जल्दी मिल जाए, बट स्टिल। और ये मेरी आई वॉज़ नॉट इन लाइक इन 30 मिनट्स, बट या मैंने जो बुक किया था दैट वॉज़ अराउंड लाइक अराउंड एट 12, बिकॉज मैं भूल गया था जो टाइमिंग दी थी स्कॉर्पियन की बुकिंग की, मैं उस टाइम पे भूल गया। और मेरे को जब याद आया इट वॉज़ अराउंड 12, सो मैंने 12 बजे इसको बुक किया था। एंड अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो मेरे को डिलीवरी दिखा रहा है 5th से लेके 4th ऑफ सितंबर, तो ये इस मंथ के बीच में 2024, ओके 2024, सो ऑलमोस्ट 2 साल बाद की। तो इसको आई डोंट थिंक कि इसका कोई सेंस बनता है, मैं इसको कब तक ट्रैक करूँगा, तो इसीलिए मैं इसको फिर आज कैंसिल करने जा रहा हूँ। तो कैंसिल के लिए हमको सिंपली कुछ नहीं करना है, हम बैग जाते हैं, और बैग जाने के बाद में एक छोटा सा लिंक दिया हुआ है, देखो ये कितना छोटा सा लिंक है, और ऐसा लगता है कि ये अभी टेम्प्रेरी बेसिस पे ऐड किया है, ये पहले नहीं था ऑफ कोर्स, ये जब हमारी ये कंफर्म हो गई है, ऑर्डर कंफर्म हो गया, देन उसके बाद में ये हमारा कैंसिल का बटन आना स्टार्ट हुआ है। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ पे मैं रीज़न दूंगा, आई वॉन्ट टू चेंज माई फोन, एबल टू गेट डिलीवरी ऑन टाइम, यस अनेबल टू गेट डिलीवरी ऑन टाइम, सो आई एम गोइंग टू कैंसिल माई बुकिंग, और या दिस इज़ सक्सेसफुल मैसेज, यहाँ पे आया योर कैंसिलेशन रिक्वेस्ट इज़ बीइंग प्रोसेस, रिफंड टू ओरिजिनल पेमेंट मोड। तो ये मेरे को जो भी मैंने मोड से पेमेंट किया था उस मोड में रिफंड हो जाएगा। कैंसिलेशन चार्ज टू द ट्यून ऑफ 10% ऑफ बुकिंग अमाउंट विल बी डिडक्टेड, ये 10% अमाउंट के लिए डिडक्ट के लिए बोल रहा है, और 24 आवर्स में हमें स्टेटस चेक करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, आई थिंक ठीक है, एंड हेयर वी कैन सी कैंसिलेशन सक्सेसफुल। तो ये मेरा फाइनली मैंने कैंसिलेशन हो गया है मेरा, और अब हमें जो भी इनका बिजनेस डेज का है कि 5 to 7 बिजनेस डेज में रिटर्न करते हैं जो भी, तो वो हमको लेट्स सी वो कब तक आता है, आई विल अपडेट। बट फाइनली मैंने अपनी स्कॉर्पियो एन कैंसिल कर दी है, और रीज़न था कि मेरे को एटलीस्ट आई कैन वेट अप टू लाइक 7, 6, 8 मंथ, बट ये जो पूरा 2 साल का गैप है ये कोई पॉइंट नहीं बनता इसको इतना होल्ड करने का। सो नाउ आई एम गेटिंग लॉग आउट, थैंक यू गाइस। और कहीं ना कहीं महिंद्रा लैग कर रहा है अपनी डिलीवरी टाइम को लेके, ये चीज़ हमने पहले थार में भी देखी है, स्टिल अभी भी थार पे वेटिंग चल रही है कुछ डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट पे, डीजल मैनुअल वेरिएंट पे, बट 700 में स्टिल अभी भी 1-1 साल की वेटिंग है कुछ कुछ सेलेक्टेड वेरिएंट्स पे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं महिंद्रा को सुधारनी पड़ेंगी कि अगर वो एक हाइप बना रहे हैं तो उस आई वुड से नॉट द हाइप, बट या अगर वो इस तरह से चीज़ें मार्केट में फ्लैश कर रहे हैं तो उन्हें एक डिलीवरी कमिटमेंट भी होना चाहिए कि एटलीस्ट अगर मेरे को चाहिए महिंद्रा, सो देर इज़ नो वे, राइट? इफ़ आई डोंट हैव एनी लाइक रेफरेंस और आई डोंट नो एनी लाइक द पर्सनली द कोई डीलरशिप पे मेरे को कोई ऐसा जिसकी अपनी डीलरशिप है, मैं उससे अगर कोई कांटेक्ट नहीं रखता हूँ देन मेरे लिए बहुत हार्ड हो जाएगा ये स्कॉर्पियो एन की डिलीवरी लेना। तो ये मतलब आई वुड से कि एक कॉमन मैन नहीं ले सकता डिलीवरी आज के टाइम में, अगर किसी को स्कॉर्पियो एन लेनी है एंड इफ़ ही हैजंट एनी रेफरेंस तो आई डोंट थिंक कि वो ले पाएगा। तो ये एक जो डिलीवरी वाली चीज़ है इस पे कहीं ना कहीं महिंद्रा को सोचना पड़ेगा। बाकी सब बढ़िया है, गाड़ी मैंने टेस्ट ड्राइव ली थी एंड इट वाज रियली ऑसम एक्सपीरियंस, मुझे बहुत मज़ा आया चलाने में। और आप जो पुराने वाली जो स्कॉर्पियो अब क्लासिक के नाम से आने लगी है, मैंने उसको भी ट्राई की थी, तो उससे मच मच बेटर देन है स्कॉर्पियो एन इन टर्म्स ऑफ द इंजन रिफाइनमेंट, इन टर्म्स ऑफ द बॉडी रोल, इन टर्म्स ऑफ द स्टेबिलिटी, दैट इज़ फार बेटर देन अर्लियर स्कॉर्पियो एन। या
सो आई थिंक अब क्लोज करते हैं और आई एम नॉट हैप्पी, सीरियसली आई एम नॉट हैप्पी आफ्टर कैंसिलेशन माई स्कॉर्पियो एंड. मैं चाहता था कि मेरे को मिल जाए, आई कुड वेट अराउंड लाइक, मैं कर सकता था, मैं एक साल वेट कर सकता था, बट ये जो 2 साल का है इनका डिलीवरी और मेरी बार बार, मैंने बहुत जगह बात की, उन्होंने भी यही बोला कि वी कैन नॉट कमिट एनीथिंग बट वी विल ट्राई कि हम आपको 1-1.5 साल में दे दें, तो उसका कोई कंफर्मेशन नहीं होता, तो इसके चलते आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड. और फाइनली आई हैव कैंसिल माई स्कॉर्पियो एंड बुकिंग. और क्या क्या बोल सकते हैं इसमें. ओके, थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.